की वीडियो में हम PSL के होने वाले 15 मैच की बात करेंगे। इस मैच की फुल डिटेल जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट लास्ट में देखें और तमाम मैचेस ऑनलाइन देखने के लिए एक वेबसाइट जाऊँ जो कि indvsparks.com है। इस पर जाकर आप तमाम मैच आसानी से देख सकते हैं। PSL 6 के 15 मैच की बात की जाए तो ये मैच लाहौर के अंदर इस्लामा यूनाइटेड टीम के दरमियान होने वाला है। अगर इस 15 मैच के वेन्यू की बात और डेट की बात की जाए तो ये मैच 4 मार्च को खेला जाएगा और 2 बजे स्टार्ट हो जाएगा। इसको नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। अब मैं आपके सामने इन दोनों टीमों का हेड टू हेड लेके आया हूँ। इनके टोटल मैचेस 10 हुए हैं, जिनमें से लाहौर ने 2 मैचेस जीते हैं और इस्लामाबाद ने 8 मैचेस जीते हैं। लाहौर कलंदर के एवरेज रन 157 हैं और इस्लामाबाद के 170 हैं। अगर इनके मैक्सिमम रन की बात की जाए तो लाहौर कलंदर के मैक्सिमम रन 190 हैं और इस्लामाबाद के 238 हैं। और हेड टू हेड में इतफाक से दोनों टीमों के मिनिमम रन बराबर हैं जो कि 121 हैं। अगर आप इस हेड टू हेड रिकॉर्ड को ऑब्जर्व करें तो आपको वाजह तौर पर दिखाई देगा कि इस्लामाबाद टीम हर लिहाज से आगे रही है, तो इस दफ़ा इस मैच को जीतने के चांस इस्लामाबाद के ज़्यादा हैं। अब मैं आपको लाहौर कलंदर टीम के प्लेयर्स के नाम बताने जा रहा हूँ। पहले इनके बैट्समैन देख लेते हैं। फ़खर जमान, मोहम्मद जैद आलम। अब हम इनके ऑलराउंडर देखते हैं। सुहेल अख्तर, मोहम्मद हफीज़, जो डैनले, डेविड वाइज, टॉम एबेल, शमित पटेल और आगा सलमान, ये सब लाहौर कलंदर टीम के ऑलराउंडर हैं। अब हम लाहौर कलंदर के विकेट कीपर देखेंगे। बेन डंक, ईशान अशरफ, मोहम्मद फैजान। चलें अब इनके बॉलर की तरफ नज़र डालते हैं। राशिद खान, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, दिलबर हुसैन और माज खान, ये सब इस टीम के बॉलर हैं। तो दोस्तों ये वो नाम है जो लाहौर कलंदर टीम के साथ जुड़े हैं। अब हम इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम इनके बैट्समैन को देखते हैं। एलेक्स हेलिक्स, सलीप साल्ट, आसिफ अली। अब हम इनके ऑलराउंडर को देखते हैं। कोलन मेंड्रो, हुसैन तलत, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान जो कि इस टीम के कैप्टन भी हैं, लेविस ग्रेगरी, फहीम अशरफ, आकिफ जवेद, मोहम्मद वसीम। अब हम इनके बॉलर पर नजर डालते हैं। हसन अली, मोहम्मद मूसा, जफर गोहर, रीसे टोपले, अहमद सफी अब्दुल्ला और क्रिस जॉर्डन हैं। अब मैं आपको लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन करने के कुछ तरीके बताता हूँ। या तो आप वेबसाइट देख सकते हैं, तो आपको एक वेबसाइट बताता हूँ जो कि indvsparks.com है। अगर आप वेबसाइट पे नहीं बल्कि टीवी चैनल पर जाकर देखना चाहते हैं, कुछ कंट्रीज के लिहाज से चैनल के नाम बताता हूँ। इंडिया में रहने वालों के लिए स्टार स्पोर्ट्स का चैनल बहुत अच्छा रहेगा। पाकिस्तान में रहने वाले PTV स्पोर्ट या जियो सुपर पर जाकर लाइव स्ट्रीमिंग एंजॉय कर सकते हैं। बांग्लादेश में रहने वाले गाजी टीवी पर जाकर PSL के तमाम मैच देख सकेंगे। US में भी PSL शौक से देखा जाता है, उनके लिए विलो टीवी का नेटवर्क मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। उम्मीद है इनमें से किसी एक ऑप्शन को चूज करके आपका लाइव स्ट्रीमिंग मसला हल हो जाएगा और आप PSL की मैच एंजॉय कर सकेंगे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दें।